वेलकम फ्रेंड्स टू द होम एकेडमी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है, ठीक है, जिन्हें फ्रेंड एंड फो भी कहा जाता है। देखिए जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में ये जनरल साइंसेस के बायोलॉजी पोर्शन में ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को हम डिटेल स्टडी ब्रीफ में करेंगे, मगर सुपरफ्लुअस स्टडी करेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, इसकी डिटेल स्टडी नहीं करेंगे हम, कि जो जो एग्ज़ाम में पॉइंट्स आ सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। और उन पॉइंट्स को ज़रूर नोट करें, वीडियो को बेशक पास करना पड़े। जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर अच्छी नहीं भी लगी तो भी सजेशन ज़रूर दें, फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मुझे भी पता चले कि ये जो मैं ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं। तो हम शुरू करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। देखिए हमारी जो वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है, हम यहाँ पर अपने आसपास देखते हैं बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एनिमल्स प्लांट्स, ये जो हमारी नेक्ड आई से हमें दिखा करते हैं। बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारी नेक्ड आई से नहीं दिखा करते, उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं माइक्रोब्स। क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि जैसे कि ब्रेड पे आप देखते हो ये लगा हुआ होता है वाइट वाइट कलर का कुछ फंगस जैसा, ठीक है, कुछ वैसे भी होते हैं, वो भी ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, उनमें भी जान होती है। तो अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, ये फोर मेजर पार्ट्स में और फोर मेजर ग्रुप में इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। बैक्टीरिया है, फंजे है, प्रोटोजुआ है और एल्गे है, ठीक है। तो वायरसेस भी माइक्रोब है, मगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं, ठीक है, ये भी माइक्रोस्कोपिक है। दे हैव रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम प्लांट और एन एनिमल। सम ऑफ द वायरसेस आर लाइक इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, ठीक है ना, ये कौन कौन सी बीमारियां करते हैं, लाइक कॉमन कोल्ड करते हैं, इन्फ्लुएंजा करते हैं और कुछ कफ कर देते हैं, ठीक है, ये इनकी ये जो भी बीमारियां हैं ये किससे होती है, वायरस से होती है, ठीक है। कुछ सीरियस डिजीजेज भी वायरस करते हैं, कौन कौन सी होती है, पोलियो होती है, चिकन पॉक्स होता है, ठीक है, यही चीज़ें तो आएगी आपके एग्जाम में, कौन सी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सी ये किससे ये बीमारी हो रही है। और कुछ डिजीजेज लाइक होती है जैसे डिसेंट्री होती है, ठीक है ना, मलेरिया होता है, ये प्रोटोजुआ से होती है, ठीक है, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस भी होती है, बैक्टीरिया से होती है वो दो बीमारियाँ। तो अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे कि ये कहाँ रहते हैं, क्या कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें सिंगल सेल भी हो सकते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सिंगल सेल की बात करेंगे तो हम एल्गे एंड प्रोटोजुआ, मल्टी सेलुलर की बात करेंगे इसमें एल्गे और फंजे होंगे, ठीक है ना। अभी मैंने बात की कि सिंगल सेल में कुछ एल्गी होती है, कुछ बैक्टीरिया होती है, कुछ प्रोटोजुआ होते हैं, मगर कुछ मल्टीसेलर होती है एल्गी और फंजे, ठीक है। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू द हॉट स्प्रिंग एंड इवन इन डिजर्ट एंड द मार्शी लैंड, ठीक है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग वी ह्यूमन बींग्स, एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। तो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एमोबिया की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एमोबिया कैन लिव एलोन while the fungi and bacteria may live in the colonies, ठीक है। These microorganisms play an important role in our life. Some of them are beneficial in many ways, whereas some other are harmful and causes the diseases. तो कुछ friendly microorganism होती है, चलो उनके बारे में हम देखते हैं क्या काम करते हैं, क्यों friendly friendly है, ठीक है। Because they are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread, cake, ठीक है। Microorganism have been used for the production of alcohol. कुछ agriculture में use होते हैं soil fertility के लिए by fixing the nitrogen, ठीक है। जो curd होती है उसके अंदर कुछ microorganism होते हैं जिनमें के bacterium lactobacillus जो होता है वो promote करता है formation of the curd, तो याद रख लेना। इसके बाद हम देखेंगे कुछ कमर्शियल यूज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का,
देखिए, जो अल्कोहल फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, शुगर को जो कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में, तो इसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही रोल होता है। इस प्रोसेस को जो डिस्कवर किया था लुईस पॉस्टर ने किया था इन 1857 में, आ सकता है, नोट कर लेना। उसके बाद कुछ मेडिसिनल और यूज़ भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो इसके बारे में हम देखेंगे क्या होता है। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये किल करते हैं या तो उसको स्टॉप कर देते हैं ग्रोथ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ऐसे हम जो ऐसी मेडिसिन होती हैं उनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल हम ले लेंगे, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्राम साइलिन है, और कुछ इरिथ्रोमाइसिन है। ये कुछ एग्जाम्पल है इन एंटीबायोटिक्स की। उसके अलावा वैक्सीन भी बनाई जाती है, जिसे डिस्कवर किया था किसने, एडवर्ड जेनियर ने। एडवर्ड जेनियर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, कब किया था, इन 1798 में, ठीक है। तो जो डिजीजेस इससे होती है लाइक कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीनेशन से, इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो दूसरा काम जो है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। देखिए, कुछ बैक्टीरिया होते हैं या तो कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ये क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करती है एटमॉस्फेयर से, और क्या करती है, हमारी जो सॉइल होती है उसको एनरिच बना देती है विद नाइट्रोजन, उसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देती है। जो ये माइक्रोब होते हैं, इनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है। हाँ, तो अभी तक हमने देखा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेंडली कौन कौन से हैं। अब जो ये देखेंगे जो हार्मफुल है। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म काजेज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, याद रखना, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन कहते हैं, ठीक है। फिर पैथोजन कैसे एंटर होते हैं हमारी बॉडी में, ईयर, जो हम सांस लेते हैं उससे होते हैं, या जो हम खाना खाते हैं उससे होते हैं, या तो वाटर वी ड्रिंक या तो हम फूड वी ईट, ठीक है। दे ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल, ठीक है। माइक्रोबल डिजीजेज कौन कौन सी होती है, डेट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन, ठीक है। इन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। किस किस की मदद से होती है, ये एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट की वजह से होती है। इनकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है, कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस होती है। कुछ डिजीजेज देखेंगे, ठीक है, ह्यूमन में जो कॉमनली डिजीज होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है बैक्टीरिया से होता है, मीजल्स होते हैं वायरस से होते हैं, चिकन पॉक्स वायरसेस से होता है, पोलियो वायरस से होता है, कॉलरा बैक्टीरिया, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। अगर इनके मैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूँ, जो कॉलरा होता है वाटर और फूड से होता है, ठीक है, ये इनका मोड है ट्रांसपोर्ट का। फिर हम टाइफाइड की बात करें वाटर से, पोलियो एयर और वाटर दोनों से, चिकन पॉक्स एयर एंड वाटर से होता है, ट्यूबरकुलोसिस सिर्फ एयर से होता है, मीजल जो होते हैं वो सिर्फ एयर से होते हैं, ठीक है। मलेरिया तो पता ही होगा सारों का, मॉस्किटो से होता है। ये तो मैंने जो बात की है वो किसकी की अभी तक, ह्यूमन बॉडीज की। अगर हम सम कॉमन प्लांट डिजीज कास्ट बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, देखिए गोभी तो सारों ने देखी होगी, कैबेज, उसके ऊपर जो काली सरफेस बनती है, ब्लैक रॉट ऑफ द कैबेज, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बनती है, जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से। लेड ब्लाइट ऑफ पैटेटो होती है फंजे की वजह से, व्हाइट रस्ट ऑफ द मस्टर्ड होती है फंजे की वजह से। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं करूँ यहाँ पर, रॉबर्ट कॉश था जिसने 1876 में डिस्कवर किया था बैक्टीरियम बेसिलस एंथ्रेसिस, जिसने एंथ्रेक्स टाइप की डिजीज की थी, ठीक है। अच्छा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक बेनिफिट हमारे पास और भी है कि, ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन का काम करते हैं। केमिकल मेथड इसमें कौन कौन से आते हैं, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर एंड प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। हम इसमें क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम इनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक है, हम इनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। जैसे कि आप कॉमनली देखते हो हम साल्ट ऐड करते हैं या एसिड प्रिजर्वेटिव करते हैं, अचार पिकल्स में करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ताकि ये टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब, ताकि माइक्रोब इस पे अटैक ना कर सके। अगर हम केमिकल की बात करेंगे तो सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड
जो होते हैं वो प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ होते हैं। फिर प्रिजर्वेशन हम कॉमन साल्ट से भी कर लेते हैं, ठीक है। कॉमन साल्ट में के फिशेज मीट को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इस पे हम मीट एंड फिश पे हम इसको कवर करते हैं ड्राई साल्ट से, और हम उनकी ग्रोथ को चेक करते हैं, ठीक है। साल्ट में और भी फलों को भी प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है, जिनमें कि आंवला है, रा मैंगोज हो गए, ठीक है ना, और टेमरेड हो गया, बहुत सी चीज़ें होती है। फिर प्रिजर्वेशन बाई शुगर, जो शुगर हम इससे भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सकते हैं, जैसे कि जैम्स होता है, जेलीज होती है, सुकेशियस होती है, इनको हम शुगर से प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। शुगर असल में करता क्या है, जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसकी वो कम कर देता है, ठीक है। जब मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो कम कर देता है ये, ठीक है, जो कि फूड को हमारे सप्लाई स्पॉइल करते हैं, ख़राब कर देते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेजर। देखिए ऑयल जो होते हैं और विनेजर जो सिरका होता है, उससे भी हम इनकी ग्रोथ को रोक सकते हैं, ठीक है। बिकॉज क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो इस कंडीशन में नहीं रहते, तो फिर हमारी जो वेजिटेबल्स होती है, फ्रूट्स होते हैं, फिश होती है, मीट होता है, इसको हम इसी मेथड से प्रिजर्व करते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। देखिए हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट तो सारे जानते ही होंगे, लो टेम्परेचर जो होता है वो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। जैसे कि मिल्क में हम पॉस्चराइजेशन की बात करते हैं, मिल्क को हम हीट करते हैं पहले 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर उसको 15 से 30 सेकेंड तक, ठीक है, फिर कूल करते हैं हम उसको, और फिर हमें उसे स्टोर करते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है, जो ये प्रिवेंट होती है, प्रिवेंट क्या करता है माइक्रोब्स की ग्रोथ को, हम इसी प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस डिस्कवर किया था ना, ये लुइस पॉस्टर ने किया था, और हम इसको पॉस्चराइजेशन कहते हैं। फिर हमारी बात आती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो बैक्टीरियम राइजोबियम है ये काम करता है, ठीक है, ये फिक्स करने में मदद करता है। किसको फिक्स करता है, इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, कहाँ, इन लेगमिनस प्लांट। लेगमिनस प्लांट कौन से होते हैं, जैसे कि दालें, पल्सेस, ठीक है। राइजोबियम जो लिव होता है, कहाँ लिव इन द रूट ऑफ नेडुल्स ऑफ लेगमिनस प्लांट, तो कहाँ रहता है ये, जड़ों में रहता है लेगमिनस प्लांट्स की, जैसे कि बीन्स, पीज, ठीक है। इनका इससे कोई सिम्बॉलिक रिलेशन समझ लो, सिम्बियोटिक रिलेशन जिसे आप पढ़ते हो, सिम्बियोसिस, ठीक है, दोनों को बेनिफिट हो, जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट होता है। समटाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, ठीक है। इसके अलावा हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में भी आप जरूर पढ़ना। चलो अब हम समरी थोड़ी सी हम रिकॉल करेंगे, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज, दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू द हॉट स्प्रिंग एंड डिजर्ट टू मार्शी लैंड्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे मे बी यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड द बैक्टीरिया, फंजे, प्रोटोजुआ एंड सम एल्गी। वायरसेस, दो डिफरेंट फ्रॉम अबव मेंशनड लिविंग ऑर्गेनिज्म, आर कंसिडर्ड माइक्रोब्स। सो वायरसेस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ इनको नोट करें, रिकॉल करने के लिए अपने, ठीक है। तो उसके अलावा सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड एल्कोहल। प्रोटोजुआ काजे सीरियस डिजीज लाइक डिसेंटरी एंड मलेरिया। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अवर फूड एंड काजे फूड पॉइजनिंग। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड इन द रूट नेडुल ऑफ द लेगमिनस प्लांट, दे कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इन टू द सॉइल एंड इंक्रीजेज द सॉइल फर्टिलिटी। सम बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोसफियर एंड कन्वर्ट इट इन टू नाइट्रोजिनस कंपाउंड। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिज द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन टू सिंपल सबस्टेंसेज एंड क्लीन अप द एनवायरमेंट। सम बैक्टीरिया कन्वर्ट द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल इन टू नाइट्रोजन गैस विच इज रिलीज इन टू द एटमोसफियर। इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके की वर्ड्स रहेंगे इसमें, एल्गे, एंटीबॉडीज, बैक्टीरिया, कैरियर, कम्युनिकेबल डिजीजेस, फर्मेंटेशन, फंजे, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पास्टराइजेशन, पैथोजन प्रिजर्वेशन, प्रोटोजुआ, राइजोबियम, वैक्सीन, वायरसेस और यीस्ट,
ये चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी, अब इनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अब चलो आज हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, यीस्ट किसकी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है? ऑप्शन मैं दूंगा आपको, शुगर, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन। ज़रूर डिस्क्रिप्शन में इनका आंसर ज़रूर लिखे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक कौन सी है इनमें से? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल, यीस्ट। ये चार आपके ऑप्शन हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखे। करियर ऑफ मलेरिया काजिंग प्रोटोजुआ इज, जो मलेरिया काजिंग प्रोटोजुआ होता है उसको कौन, उसका कौन करियर है, मतलब उसको कौन ट्रांसमिट करता है? देखिए ऑप्शन बटरफ्लाई, सेकंड ऑप्शन कॉकरोच, ठीक है, फीमेल एनोसिल्स मॉस्किटोस, थर्ड फोर्थ ऑप्शन हॉर्स फ्लाई। आपका चौथा क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेज इज, कम्युनिकेबल डिजीज है उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरियर कौन सा है? देखिए ड्रैगन फ्लाई है, एंट है, स्पाइडर है या हॉर्स फ्लाई। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इंटू अल्कोहल इज कॉल्ड, ऑप्शन वन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑप्शन टू मोल्डिंग, ऑप्शन थर्ड फर्मेंटेशन, ऑप्शन डी इन्फेक्शन। तो ज़रूर मेरे को आप इनके आंसर ज़रूर कहें, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, उसी से पता चलेगा आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, आप कितने सीरियस हो अपनी रीडिंग में। थैंक्स फॉर अलॉट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।